नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शराब दुकानों को खोलें या ना खोलें, कैसे खोलें और क्या क्या नियम कानून हो, इन मुद्दों पर सरकार ने काफ़ी माथापच्ची की और बार बार बदलते आदेशों के बीच एक बार फिर 4 तारीख को आदेश निकला कि दुकानें 5 मई से खोल दी जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी अब अगर शराब ठेकेदारों की बात करें तो शराब ठेकेदार दुकान खोले जाने के पक्ष में नहीं है। खबर भोपाल से है, जहां शराब ठेकेदार दुकान खोलने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि 11 बजे बैठक थी, लेकिन इसके पहले ही सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। शराब ठेकेदारों की अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी। उनका कहना है कि रेड जोन में बनने वाली शराब के ग्रीन जोन में बिकने से संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि लाइसेंस फीस पर भी सरकार का रुख सही नहीं है। सरकार दूसरे राज्यों की अपेक्षा फीस कम करे, अन्यथा वे दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी ठेकेदारों को एक बैठक के लिए बुलाया था। उस बैठक का मुख्य एजेंडा था कि शराब की दुकानों को खोला जाए और उसको कैसे चालू किया जाए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए। शराब के ठेकेदारों ने तकरीबन हर जिले से आज से नहीं, पिछले एक महीने से कई प्रतिवेदन और आवेदन आबकारी विभाग को दिए हुए हैं कि हम शराब की दुकानें नहीं खोलना चाहते और हमारे पास शराब की दुकानों को खोलने के लिए कई सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिनका निराकरण न हो जाने तक हम लोग शराब की दुकानों को नहीं खोलेंगे। तो इसलिए विभाग ने आज एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस विषय पर चर्चा होनी थी कि आप लोगों की क्या समस्याएँ हैं और क्या है क्या नहीं है। पर जब हमने कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था और हम लोगों ने अपने दुकान के संचालन में पुलिस, आबकारी, राजस्व, कई विभाग के अधिकारियों का जो है सहयोग और वो लगता है इन्वॉल्वमेंट जो है होता है। अब इस समय प्रशासन जो है कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रख के आम जनता की सुविधा पे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करे, अपने बल को केंद्रित करे कि वो शराब की दुकानों को संचालन करवाने में अपने जो है राजस्व के, पुलिस के, आपके विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाए। क्या करेंगे सर आप लोग आगे? अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम लाइसेंस कंडीशनों के कारण बाध्य है दुकान खोलने के लिए, पर हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि उन लाइसेंस कंडीशनों को शिथिल किया जाए, क्योंकि हमारा और सरकार का जो अनुबंध हुआ था इस वर्ष के शराब के ठेके का, उस शराब के ठेके के सारी शर्तें और जितनी भी अनुबंध होती हैं, शर्तें होती हैं, वो अपनी ज़मीन खो चुकी हैं। हमारा जो अनुबंध है सरकार के साथ वो दूषित हो चुका है। वो अनुबंध अब जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की स्थिति में नहीं रह गए। सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी फिर क्या करेंगे हम? सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों को मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। दुकान नहीं खुलेगी और दुकानें बंद रखने का ठेकेदारों ने निर्णय लिया है जनहित में और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग शराब की दुकानें बंद रखेंगे। विभाग या सरकार जबरदस्ती दुकानें खुलवाती है तो हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और फिर माननीय न्यायालय से जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया।